हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मशरूम के ऊपर है। आपका जो नेक्स्ट मेंबर है वो है एगेरिकस, जो कि एक मशरूम है। तो बच्चों, यहाँ पर जो एगेरिकस है उसका कॉमन नेम क्या है? मशरूम छत्रक। क्या बोलते हैं? मशरूम या छत्रक या मिडो मशरूम, चारागाह छत्रक, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। अब एगेरिकस का सबसे पहले अपने सिस्टेमेटिक पोजीशन देखते हैं, इसकी वर्गीकृत स्थिति देखते हैं। बच्चों, जितने भी मेंबर मैंने आपको करवाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपने क्या प्रिपेयर करना है? उसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन, उसकी जो वर्गीकृत स्थिति है। कई बार सेपरेट एक छोटा क्वेश्चन उसके ऊपर आ जाता है कि जस्ट राइट डाउन सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ एगेरिकस, अल्टरनेरिया, पक्सिनिया, किसी की भी पूछ सकते हैं। तो ये आपने अलग से तैयार करना है। अब अपने एगेरिकस की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, इसकी वर्गीकृत स्थिति है, उसको देखते हैं। तो इसका एगेरिकस का जो किंगडम है वो है माइसिटी, और इसकी जो डिवीजन है वो है एमेस्टिगो माइकोटा, सब डिवीजन इसका है बेसिडियो माइकोटिना, इसकी जो क्लास है वो बेसिडियो माइस्टीज, और इसका जो ऑर्डर यानी इसका जो गण है वो है एगेरिकेलीज, इसकी जो फैमिली है, कुल है इसका एगेरिकेसी, और इसका जीनस यानी इसका जो वंश है वो है एगेरिकस। बच्चों, अब स्पीशीज की बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग इसकी क्या है, 25 स्पीशीज मिलती हैं। इंडिया के अंदर इसकी 25 यानी 25 प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। कुछ प्रजातियों के मैंने यहां पर नाम लिख रखे हैं, जैसे एगेरिकस ऑरियोफल्विस, एगेरिकस ऑरिवेलिस, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस, एगेरिकस कॉस्मोसिस, एगेरिकस फ्लेविडस, एगेरिकस लेटिबस, एगेरिकस रिगेलिस, एगेरिकस राइमोसिस, एगेरिकस इरियोफोर्सिस, एगेरिकस मैक्रोफेलिस, एगेरिकस बाइपोर्स एंड एगेरिकस रोडमेनी। बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि कुछ स्पीशीज जितने आपके याद हों, अधिक से अधिक उनको याद करने की कोशिश करो, और प्रत्येक स्पीशीज यहाँ पर आप देखो, जीन्स और स्पीशीज, वंश और प्रजाति, दोनों को आपने अंडरलाइन करना है, क्योंकि आपकी क्लास जो है फर्स्ट ईयर है, पहला साल है। बच्चों, यहाँ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा कि चाहे बॉटनिकल नेम हो, किसी भी प्लांट बॉडी का बॉटनिकल नेम हो या किसी भी जंतु का जूलॉजिकल नेम हो, जब उसको अपने साइंटिफिक में लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसको अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, जीन्स और स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। और इसमें लिखने का ढंग ये है कि फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा, और इसके बाद जितने भी लेटर्स हैं, शब्द हैं, वो कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, और इनको अलग अलग अंडरलाइन करना है, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपने स्पेल ठीक लिखी है लेकिन अंडरलाइन नहीं किया है, तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये जितनी भी स्पीशीज हैं, इनमें से कुछ स्पीशीज जैसे एगेरिकस कंपेस्ट्रिस, एगेरिकस बाइपोर्स, कंपेस्ट्रिस एंड एगेरिकस बाइपोर्स, ये क्या है? खाद्य मशरूम यानी फूड मशरूम के रूप में जानी जाती हैं या उगाई जाती हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, इनको खाद्य के रूप में इनको यूज किया जाता है, भोजन के रूप में इसको खाया जाता है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एगेरिकस है, इसका जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो है छत्रक या मशरूम भी बोलते हैं, और इसको मिडो मशरूम या चारागाह छत्रक भी बोलते हैं। बच्चों, एगेरिकस इज ए सेप्रोफाइट, ये क्या है? मृत जीवी कवक है। एगेरिकस कैसी कवक है? मृत जीवी कवक है, सेप्रोफाइट है। मृत जीवी, जैसा नाम से क्लियर है, ये एक ऐसा जीव है जो कि अपना जो फूड है, भोजन है, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करता है, जो सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ है वहाँ से अपना जो फूड है उसको सक करता है, अपना जो पोषण है वो प्राप्त करता है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। भोजन के लिए दूसरे डेड सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड रहता है। जैसे वुडन लॉक्स, वुडन लॉक्स का मतलब क्या है? लकड़ी के ढेर,
लकड़ी सड़ी गली, जो लकड़ियों की जो ढेर हैं उनके ऊपर ये भली भांति अच्छी ढंग से ये उगता है। जैसे खाद के ढेर मैन्यूर पाइल्स यानी खाद के जो ढेर हैं वहाँ पर ये वेल डेवलप होता है, अच्छी तरह से उगता है। बच्चों जो ये एगेरिकस है, मशरूम है, छत्रक है, इसको लोकल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा में कुकुरमुता के नाम से जाना जाता है, खुम्बी के नाम से भी जाना जाता है और ढींगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके क्या है, सामान्य लोकल लैंग्वेज या स्थानीय इसके नाम है। बच्चों एक इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लैब भी है अपने इंडिया के अंदर, मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लैब है, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में सोलन जो जगह है वहाँ पर इसकी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इसकी लैब भी है। बच्चों जितनी भी स्पीसीज मैंने आपको बताई इसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो अत्यधिक विषैली हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एगेरिकस सिल्विटिकस, एगेरिकस जेंथोडर्मस, ये स्पीसीज क्या हैं, अत्यधिक विषैली हैं, टॉक्सिक हैं, अगर इनको खा लिया जाए तो तुरंत इन क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये जो स्पीसीज हैं एगेरिकस की ये अत्यधिक विषैली होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, अगर खाद्य के रूप में भोजन के रूप में इनको यूज़ कर लिया जाए तो तुरंत क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एगेरिकस दोनों ही अपने डिटेल में स्टडी करेंगे।